थी। अभी चुनाव आ रहे हैं, बट्टी चोखा का पार्टी देते, क्या हम बट्टी चोखे के भूखे हैं क्या? 27 मार्च रविवार को शिवसेना द्वारा प्रभाग क्रमांक 16 में शाखा शिव संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए थे। मीरा रोड के सुरभि हॉल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शिवसेना ने आने वाले मनपा चुनाव में मिशन 60+ की घोषणा की। इस कार्यक्रम में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया कि आने वाले मनपा चुनाव में फिर भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहेगा। साथ ही शिवसेना के नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह ने भाजपा पर तंज कसा, लिट्टी चोखा में तोल देते हिंदी भाषी समाज को। इस अभियान के बारे में हमने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक से बात की और मिशन 60+ पर भी सवाल किया। चुनाव आ रही है, बट्टी चोखा का पार्टी देते, क्या हम बट्टी चोखे के भूखे हैं क्या? शिवसेना हिंदी भाषी फोन देने का काम करती है, प्रताप सरनाईक साहब हिंदी भाषी फोन देने का काम करते हैं। शिवसेना विक्रम सिंह जैसे लोगों को नगर सेवक बनाने का काम करती है बैठे बिठाए घर पे। शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी को बैठे बिठाए राज्यसभा में भेजने का काम करती है, अरे भट्टी चोखा में तोल देते हिंदी भाषी समाज को। निश्चित तौर पर इनसे सफल रही है, बहिष्कार करिएगा उनके भट्टी चोखा का। हम भट्टी चोखा के लिए नहीं आए इस शहर में, हम रोजी रोटी के लिए आए, मान सम्मान के लिए आए। हमारा खून पसीना यहाँ पे लगा हुआ है और महाराष्ट्र का वैभव में जो है कहीं ना कहीं हम लोग हमारा जो है हमेशा से हमारा योगदान देते रहेंगे। और बाला साहब ठाकरे के भगवा और रामचंद्र जी का निशानी जो धनुष्मान हमारे कहीं ना कहीं जो संस्कृति और हमारे भारत के वैभव का निशानी है। आज मेरा भाईंदर शहर में आने वाले चुनाव के दौरान हमारे शिवसैनिकों के प्रति जो लोगों का आदर है प्यार है उसे देखते हुए हम लोग ने शिव संपर्क अभियान का ये शुरुआत किया है। उत्तन से लेके हम हर प्रभाग में जाके शिव संपर्क अभियान करते हैं, लोगों की जो समस्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पदाधिकारी है शिवसेना से, गट प्रमुख हो, शाखा प्रमुख हो या विभाग प्रमुख हो, उनकी भी कुछ समस्या होगी तो जानने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ में जिस जिस प्रभाग में जो जो समस्या है वो समस्या का हल महानगर पालिका हो या राज्य शासन हो उसके माध्यम से छोड़ने की कोशिश करते हैं। शिव संपर्क अभियान में हमने अभी तक एक देखा है कि सत्ताधारी भाजपा जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में है उसके ऊपर बहुत सारी जनता नाराज़ है। बहुत सारी सुविधा जो महानगर पालिका के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। और आने वाले भविष्य में अगर भाजपा ही सत्ता पे रही तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार इस मीरा भाईंदर में होगा। और ये अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करना हो तो शिवसेना की सत्ता और शिवसेना के 60 से ज़्यादा नगर सेवक इस महानगर पालिका में आना चाहिए, ऐसे सभी लोगों का कहना है। और उस माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है और बहुत दिन तक ये शिव संपर्क अभियान चलता रहेगा और लोगों की समस्या जानते हुए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं।